आप इंट्रोडक्शन तो हो गया एंड एवरीबडी इज लाइक रियली एक्साइटेड कि ओके द स्पीकर इज हियर, अब पता नहीं क्या होगा. एंड ऑफ कोर्स के अलॉट ऑफ पीपल हैव लॉट ऑफ एंटिसिपेशन कि अब हमारे साथ पता नहीं क्या होने वाला है. सो देर आर अ कपल ऑफ वेज जिससे आप अपना सेशन शुरू कर सकते हैं. पहला ऑफ कोर्स यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ डायरेक्टली. जी अस्सलाम वालेकुम, माई ऑफ कोर्स सैल्यूटेशंस, ग्रीटिंग्स, जो भी आपकी जबान है, जो भी आप मज़हब फॉलो करते हैं उसमें आप देखें, यू कैन से आई एम सो एंड सो. दैट इज़ फाइन, बट द फाइव डन इट, आई डन ऑल ऑफ दीज इन डिफरेंट सेटिंग्स. सो जो एप्लीकेबल है वो आप कर सकते हैं. एंड इफ यू आर राइटिंग इट डाउन यू डोंट हैव टू बिकॉज विल गिव यू द स्लाइड्स, सो यू कैन जस्ट एन्जॉय द सेशन. द सेकेंड वन इज अ क्वेश्चन. वाई क्वेश्चन? क्वेश्चनिंग से क्या होता है? अटेंशन. अब बेसिक जो मकसद है इन सारों को अप्लाई करने का वो अटेंशन ही है कि आप अटेंशन ग्रैब करें. एंड आई हैव सीन सम सेशंस इन यूएसए रिसेंटली इन सैन फ्रांसिस्को, एक स्पीकर आई थी, वो अटेंशन पे ही बात करने आई थी. और जब वो आई तो पिछले स्पीकर का सेशन ख़त्म हो गया था, तो एवरीबडी गॉट अप टू गेट टी एंड शी केम एंड शी स्टूड एंड एवरीबडी वॉज लाइक मूविंग. और उन्होंने बड़े जोश में अपना सेशन शुरू किया, बट देर लाइक हार्डली एनी पीपल टू एक्नॉलेज दैट. ठीक है, सो इट वॉज गोइंग साउथ. लेकिन यहाँ पर उनका स्किल है, शी केम इन एंड सेड ओके लेट्स वेट फॉर एवरीबडी टू सेटल डाउन एंड शी जस्ट स्टूड देयर इन अ वेरी कैजुअल वे, नो टेंशन, नथिंग. एंड वेन वी रियलाइज ओके ना, दिस इज ऑल्सो अ टेक्निक ना, कि आप खुद को काम एंड कंपोज रखें. और जब ऐसे होता है देन वी वॉन्टेड टू कम बैक एंड लिसन टू हर, ओके इज एवरीबडी विद मी नाउ, ओके वंडरफुल, माई नेम इज, एंड शी स्टार्टेड अगेन. ठीक है, सो ये सिचुएशंस भी होंगी. अगेन यू हैव टू बी माइंडफुल कि आपका सेशन कब है. आपके सेशन से पहले क्या था? व्हेन आई गो फॉर अ टॉक एनी वेयर आई आस्क देम कि खाना सर्व कर रहे हैं यहाँ पे सेशन में, क्योंकि मुझे पता है कि अगर खाना खा लिया उन्होंने तो हो सकता है बाय टाइम मेरी बारी आए सब थोड़े ड्राउजी हुए, तो फिर मैं एनर्जाइज कराऊंगी. ठीक है, सो ये सवाल आप अपने ऑर्गेनाइजर से, अपने होस्ट से पूछ सकते हैं. ठीक है, आगे चलें तो स्टार्टिंग विद अ जोक. दिस इज वेरी वेरी ट्रिकी, बिकॉज अगर आपने आते साथ ही एक जोक क्रैक किया और कोई भी नहीं हंसा, आपका पहला इंप्रेशन वहाँ पे सेट हो जाएगा. बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव के योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन? ओके ओके, यू डोंट? व्हाई सो? बिकॉज़ आई हैव चेंज्ड पीपल, आई मेड इंप्रेशन एंड देन चेंज. यू चेंज देम, बट व्हाट डू यू मिस? व्हाई डू यू थिंक इट स्टेज? इट्स द इशू आवर माइंड्स कनेक्ट that person or that experience. It's, I think it's positive or negative association. Mm-hmm. And we, sorry, Urdu baat karne ki. To wo hota hai ki hamare minds bahut tricky hain. Wo hamare behavior ko ya hamare jo relationship kisi ke sath uspe build karte hain ki hum iske bare mein kya feel kar rahe hain. Impression is ek basic hota hai. Aur wo baat hai ki maine isme kaha negative or positive association. Ek chota sa example main aapko deti hu ki aapne ek tip hai ki agar aap jo cheez khana nahi pasand karte वो आप जब हॉलीडे भी जाएँ तो वो खाएँ. एक ऐसी स्पेस में जिसमें आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं, वो आपके अंदर वो पॉजिटिव एसोसिएशन क्रिएट हो जाएगी. ये इंप्रेशन के साथ मैं बिलीव करती हूँ, छोटी टेंशन, लेकिन ये होता है कि आप ह्यूमन बींग्स की माइंड इस तरह काम करती है कि हम जो फील करते हैं, परसेप्शन कर लेते हैं, उसको होल्ड करते हैं, वो बुक बन जाती है. बिल्कुल बिल्कुल, बाय ऑल मींस. तो यस, That's totally fair. That's totally fine. So it could be different for all of us. For example, Misbah has a very good outline ke why it works for her, ke something that she experiences for the first time, wo impression stay karta hai. For me, it's different. Pehli dafa maine bhindi khaya, mujhe bilkul pasand nahi aayi. Ab main bhindi khati hu. Pehli dafa main ek insaan se mili, mujhe bilkul pasand nahi aaya wo. Lekin phir jab maine unki kahani suni, now I feel different about them. But from the psychology's aspect, bilkul. It could be something ki kahin na kahin mere dil mein baat reh jaye, subconscious mein chali jaye, lekin reh jaye ki haan, ye banda isko maine wo harkat karte hue dekha tha. ठीक है, सो इट कुड स्टे. लेकिन आप बहुत हद तक इस चीज़ को चैलेंज करके चेंज भी कर सकते हैं. सो अगर आप पहली दफ़ा जाएं और आप जोक क्रैक करें और कोई ना हंसे, तो आपको क्या करना चाहिए? नहीं, अब आपने जोक कर दिए और कोई नहीं हंसा, फॉर एग्जाम्पल क्या करेंगे आप? एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच. यू कैन से एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मेरी अम्मी को तो ये बहुत फनी लगता था, आप लोगों को नहीं लगा? कहती भी थी इंजीनियरिंग कर लो, एंड देन यू कैन मूव ऑन, यू कैन प्ले अराउंड इट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी, आपका अपना जो एक अंदाज है उसके, एंड दिस थिंग कम्स विद प्रैक्टिस. फिर आपको अबूर हासिल हो जाता है ऑडियंस को हैंडल करने का. एंड ट्रस्ट मी, किसी ना किसी पॉइंट पर वो आपकी इस बेवकूफ़ी पर तो हंसी जाएंगे. यूज़ इट,
आपको तो ना पता कि वो आपके जोक पे हंस रहे हैं बेवकूफी पे, और जो यहाँ बैठा है उसको भी नहीं पता, उसको इसको फनी लगा है तो मुझे क्यों नहीं लगा, आई एम द वन हुज डम. ऑडियंस में जिन लोगों को फनी नहीं लगेगा दे वुड फील इनफीरियर. ठीक है, सो बी वेरी माइंडफुल. नाउ हम आगे चलें तो स्टार्टिंग विद द स्टोरी. अगेन द स्टोरी शुड बी वेरी वेरी वेल क्राफ्टेड. वाई इज दैट? बिकॉज एक दफ़ा आई वॉज इन चंडीगढ़, एंड चंडीगढ़ में क्या हुआ था कि this person started narrating a very good story. It was about this different bird jo ke eagles ke nest mein galti se wo anda reh gaya aur phir wo wahin par hi pala bada, aur phir that bird was like uski totally different ek nature thi. Eagles ki ek different nature hoti hai, they're carnivores. And slowly I don't even remember the story how he narrated it. Aur usne phir kaha, and then the baby eagle fell. No, ha, then it did not fail. Sorry. I mean that story was so back and forth. ठीक है, तो we just lost it. इतना lost it कि मुझे अब याद भी नहीं है. मुझे उनका baby eagle कहने का बस अंदाज याद रह गया. That was like 3 years back. ठीक है, so your story should be well rehearsed. और story अभी आपको Yasmin would give you more examples on how you can use this technique. But it's very important कि आप stress कहाँ पे दें, कौन सा fact पहले बताएं. It works. ठीक है, so we will let Yasmin handle that. And then the second last thing is the fact. डिड यू नो ये स्टेटिस्टिक्स हैं, डिड यू नो कि इस वक्त इस दुनिया में ये हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपना सेशन बहुत ड्रामेटिक अंदाज में स्टार्ट करना हो, आई वुड से डिड यू नो कि इस वक्त आप लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 मिलियन लोग डिसेबिलिटी के साथ कमरों में बंद हैं, और आप इस वक्त इस कमरे में एक वर्कशॉप का प्रिविलेज रिसीव कर रहे हैं. ठीक है, सो अ फैक्ट, एनी थिंग टू गिव, any universal factor, anything like that, you can also use it from there. And the last one is the best one, and it's the easiest one, that is picking the moment. ठीक है, जैसे मैं आऊँ तो I can start like, अभी जब मैं आ रही थी रास्ते में तो मुझे एक इंसान नज़र आया तो उसकी ये बात थी, एंड देन कनेक्टेड विद द सेशन. और आई कुड से कि अभी मैं आ रही थी तो मुझे ये वसीम मिले और इन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से ग्रीट किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वसीम बहुत पंक्चुअल हैं, और पंक्चुअलिटी इज़ अ गुड थिंग. आज का हमारा टॉपिक पंक्चुअलिटी के ऊपर है. ठीक है, सो यू कैन कनेक्ट इट. एंड समटाइम्स ऐसे भी होता है कि यू कैन पिक फ्रॉम द प्रीवियस सेशन. आपका जो एक प्रीवियस ऑलरेडी वो जिस मोड में होते हैं, जैसे वसीम जब एक एनर्जाइजर कराए थे एंड वी वर हैविंग अ लाफिंग अटैक, वी वर, तो अगर अगला सेशन मेरा होता और मेरा सेशन बहुत ज़्यादा दुखी होता, ठीक है, तो आप लोग हंस रहे थे. सो आई कुड कम एंड से कि आप लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, लेकिन आइए ज़िंदगी की दूसरी साइड पर भी ज़रा नज़र डालें. क्या ख्याल है, उस तरफ भी तो जाके देखना चाहिए कि लोग कैसे रह रहे हैं, क्या उनको हंसने की इजाज़त भी है. आइए गौर करते हैं एंड देन जस्ट डाइव इनटू इट. ठीक है, सो दीज आर अ कपल ऑफ टेक्निक्स दैट यू कैन यूज़ एज अ ट्रेनर टू ओपन योर ट्रेनिंग